बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या सैयदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के फजल, उसके करम, उसके शुक्र के साथ ठीक होंगे। तो आइए आज हम ये सीखेंगे कि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन नहुन काटने की क्या फजीलत है। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन नाखून काटने की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी अजमतें हैं। हदीस पाक में इसके बहुत सारे फ़ायदे आए हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा जुम्मे वाले दिन नाखून काटेगा, अल्लाह करीम जल्ला शानहू उससे बीमारी निकाल कर शिफा दाखिल कर देता है। सुभान अल्लाह, जुम्मे वाले दिन नाखून काटने से बीमारियां जाती हैं और शिफा दाखिल हो जाती है। और एक और हदीस पाक का मफहूम है, मेरे और आपके करीम आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे वाले दिन नाखून तराशेगा यानी के काटेगा, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक बलाओं से महफूज रहेगा। और एक हदीस पाक का मफहूम ऐसा भी मिलता है कि जुम्मे वाले दिन नाखून काटने से रहमतें आएंगी और गुनाह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जुम्मे वाले दिन नाखून काटा करें। नाखून काटने से अल्लाह करीम जल्ला शानहु की रहमतों का नाजुल होता है जुम्मे वाले दिन। और जो बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, वो शैतान की पनाहगाह होती है। तो कोशिश किया करें कि बड़े नाखून ना रखा करें, हर जुम्मे वाले दिन नाखून काटा करें, ठीक है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक का मफहूम ऐसे भी है दूध पाक के हवाले से कि जो शख्स जुम्मे वाले दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह करीम जल्ला शानहू उस बंदे की 100 हाजात को पूरा फरमाता है। जुम्मे वाले दिन दुरूद